Back to my channel. You are watching Multifarious. Kritina. after a long time, I'm back again. So, abhi currently, I'm in middle state mi hu. Matlab, Madhya Pradesh, Ujjain. So, I'm a small vlog. As I'm in So, without any further delay, let's start with the video. But before, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and hit the bell icon given below and watch my videos till end. Now, let's start. सो so, हमारी ट्रेन रात के नाइन फिफ्टीन की थी लेकिन आई नाइन फाइव को देन हम लोग बारह बजे तक जगे थे खाना बीना खाया और उसके बाद सो गए तो फिर हम अभी उतरे उज्जैन में सेवन थर्टी को और अभी मैं होटल में हूँ और हम अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर इन इंदौर सो लेट्स गो आई एम वेरी मच एक्साइटेड हम फिफ्टीन टू सिक्सटीन लोग थे तो हमने एक मिनी वैन की थी और हम दोपहर को एक बजे निकले थे और रात को दस बजे तक तो हम होटल पहुंच गए थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे नंबर पर है हम सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करने वाले थे और उसके बाद ओ, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग करने वाले थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह एक प्राचीन मंदिर है और नर्मदा नदी के उस पार है सो यू कैन गो वाया बोट और ब्रिज अगर आप बोट बोर्ड करते हो सो so, वो आपको पांच जगह घुमाते हैं उसके बाद मंदिर ड्रॉप कर देते हैं एंड जब हम जा रहे थे ना इतना मज़ा आया उधर बंदर भी थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इधर जा रहे थे उधर बंदर भी थे मंदिर के अंदर फोटोज या वीडियोस लेना अलाउड नहीं था सो हमने फोटोज या वीडियोस नहीं लिए और हम फाइनली ओमकारेश्वर पहुंच गए अभी हम जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इधर ही तो वो बंदर थे ये पेड़ों की इधर और ये देखिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग रात में इधर लाइट्स भी लगते हैं अलग अलग कलर के जैसे पिंक रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वाया बोट हमने नर्मदा नदी में हाथ भी डाला था वी वर इन बोट सो हमने हाथ भी डाला था और पानी बहुत ठंडा था और ये देखिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर पंचमुखी गणेश जी की भी मूर्ति है और अभी इट्स टाइम फॉर फन हम लोग अभी बोट में बैठेंगे मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी उस टाइम मैं क्योंकि पहली बार बोट में बैठकर किसी रिवर का मतलब सैर कर रही थी सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड सो इधर इतने सारे बोट्स थे ना कि आपको क्या बताओ और ना जब वो मोटर ऑन हो रहा था ना बोट का भी मैं थोड़ी तो सी डर गई थी क्योंकि उसका आवाज़ इतना था और इधर ना दो ब्रिज है एक आने के लिए और एक जाने के लिए सो so, हमने तो बोट ली थी सो so, ये देखिए हम अभी बैठ गए और हम जा रहे हैं बोट में भी इतना मज़ा आया ना और न थोड़ी दूरी पर एक डैम भी था और न इधर लोग डुबकी भी लगाते हैं नर्मदा नदी में डुबकी भी लगाते हैं वो डैम हम लोग भगवान के दर्शन ले रहे थे न तब भी ऑलमोस्ट सनसेट हुआ था और ये देखिए स्ट्रक्चर बना था और हम फाइनली मंदिर के अंदर आ गए मतलब इधर नहीं अंदर जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है ना उधर के इसके अंदर हम इतना वीडियो शूट कर पाए सो so, इधर भी हम शूट कर पाए इधर भी कर पाए लेकिन इसके अंदर अलाउड नहीं था नहीं तो फाइन भरना पड़ता और ये देखिए दान पेटी और ये नंदी महाराज मैंने कैसे वैसे करके नंदी महाराज के पैर पढ़ लिए और अब हम आए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मैं आपको बोली थी ना कि इधर रात को लाइट्स लगते हैं अलग अलग कलर के ये देखिए और मंदिर के ऊपर एक वाइट कलर का फ्लैग है और ये देखिए मतलब ना ऐसे मन तृप्त हो जाता है भगवान के दर्शन करके और उज्जैन में महाकाल का क्रेज बहुत है मतलब लोग उधर महाकाल को बहुत मानते हैं और हर जगह सिर्फ महाकाल 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 ही होगा मतलब उधर नॉर्मल कपड़ों की दुकान कम है और ना ऐसे वो धोती पजामा वो सारे मतलब बहुत सारे दुकानें और टी शर्ट्स तो महाकाल के ही होंगे ये देखिए स्टोन से बने नंदी महाराज मैंने इनके भी दर्शन किए और इधर भी अंदर वीडियोस अलाउड नहीं थे और हम जो इस रेस्टोरेंट में रुके थे ना उधर के थोड़े से फनी वीडियोस सो so, बाय गाइस सी यू टुमारो बाय